This video will be about how did I find a job in South Korea from India. So let's start. मैं बोलती नहीं हूँ तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता. Please subscribe. Hello everybody, welcome back to the channel. Welcome to a new video. For those who are new, I'm Ashima. मैं एक data scientist हूँ Seoul, South Korea में. तो लास्ट वीडियो में जब मैंने Q&A किया था तो मोस्ट क्वेश्चंस वर अराउंड माय जॉब. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैंने ऊपर लिंक किया है वो देखिए, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं. उसके बाद मुझे ये क्वेश्चंस आए कि आपने साउथ कोरिया में जॉब ढूंढी कैसे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. दिस वीडियो विल बी अबाउट दैट. सबसे पहले प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज इसमें मैं काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स दे रही हूँ जो आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. सेकेंड, आई कीप लुकिंग अवे फ्रॉम माई कैमरा एज यू माइट हैव नोटिस्ड. आई एम लुकिंग एट माई नोट्स बिकॉज मुझे कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. And we will divide this video into three sections: finding jobs, upskilling, and networking. Let's start with finding jobs. Simple answer is LinkedIn. मैंने already एक video में बहुत अच्छे से बताया है कि LinkedIn को कैसे use किया जा सकता है अच्छे से. अगर आपने वो video नहीं देखी है तो please watch it. काफ़ी helpful है. इस video को इनफैक्ट आगे देखने से पहले आप वो video एक बार पक्का देख लीजिए तो आपको और अच्छे से idea आएगा. तो सबसे पहले मैंने LinkedIn पे जाकर देखा कि साउथ कोरिया में jobs available कौन सी हैं. पहले तो आधी से ज़्यादा जॉब्स जो कोरियन में होंगी वो आपका टारगेट नहीं है. सेकंड, ऐसी जॉब्स जिनमें इंग्लिश डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बट स्पेसिफिकली ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए दैट हायरिंग फॉर लोकल्स ओनली या वैलिड ओनली फॉर कोरियंस, वो वैसी जॉब्स आपका टारगेट है. तो आई वेंट टू लिंक्डइन, आई लुक फॉर जॉब्स. फिर मैंने जब देखा कि ऐसी जॉब्स हैं उसका मैंने एक डेटाबेस बनाया. आई पुट इट ऑन द स्क्रीन कि मैंने वो डेटाबेस कैसे बनाया, लाइक व्हाट आर दी थिंग्स दैट आई पुट इन डिफरेंट कॉलम्स इन माय एक्सेल शीट, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा. सबसे पहले मैंने ये डेटाबेस बनाया. मेड द डेटाबेस और हाउ आई एक्चुअली मेड द डेटाबेस. सो आई वुड स्टार्ट विद डेट. मैंने कौन सी डेट को जॉब ढूंढी है. आई स्टार्ट विद द, आई ऑल्सो पुट द URL और लिंक, जो जॉब का, जॉब डिस्क्रिप्शन का URL और लिंक है. देन आई पुट व्हाट इज द जॉब टाइटल. Then I'll also put what is the company name, then skills needed, and maybe one more column, skills I need to learn, right? And you can put more columns, like maybe if you're doing it for different countries, not only for South Korea, you can put like country, you can put the level of the jobs and so on and so forth. And ye aap apna ek database refine karke rakhiye so that aapko pata ho ki maine kya kya research kar chuki hu main, and then you can keep refining your research. इसके बाद आई नैरोड माई रिसर्च एंड माई डेटाबेस टू जॉब्स जहाँ मेरा स्किल सेट एटलीस्ट 50-60% मैच हो रहा है एंड बाकी के 50% पे मैं काम कर सकती हूँ. प्लीज़ नोट, काफ़ी जॉब्स में ऐसा होगा जहाँ आपका स्किल सेट 100% मैच नहीं होगा. ऐसी जॉब्स बहुत कम होंगी जहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है एंड जो स्किल्स आपके पास है वो परफेक्ट मैच हो रही हैं, ऐसी कम जॉब्स होंगी. तो डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट आप देखो कि थोड़ी सी स्किल्स मैच हो रही हैं एंड बाकी पर आप काम कर सकते हो. ऐसी स्किल्स जो आप, जिन पर आप काम कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में भी आपके जॉब के लिए हेल्पफुल होंगी. तो मैंने अपना डेटाबेस ऐसे नैरो किया. नाउ लेट मी गिव यू अ स्पेसिफिक एग्जांपल. सिंस आई एम इनटू डेटा, मैंने डेटा स्पेसिफिक जॉब सर्च की. अब काफ़ी जॉब्स में SQL, Python, Excel, Tableau, etc. सब मांगा हुआ था. इनमें से मुझे एक्सेल एंड टैबलो ऑलरेडी आता था. सो यू सी 50% ऑफ द स्किल्स आई ऑलरेडी हैड. 50-60% पे आई हैड टू वर्क ऑन एंड आई एनी वे न्यू दैट रिमेनिंग ऑफ द 50% वुड बी गुड फॉर माई करियर. तो मुझे ये सीखनी ही चाहिए. तो मैंने SQL एंड Python पर काम करना स्टार्ट किया. सबसे पहले मैंने SQL सीखा बिकॉज इट लुक्ड मोर अप्रोचेबल. तो मैंने सबसे पहले बेसिक सीखे. आई टुक सम कोर्सेज ऑनलाइन विच आई पुट ऑन द स्क्रीन जहाँ से मैंने बेसिक सीखे. देन आई वेंट ऑन टू प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन एंड केस स्टडी आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन टू. आई प्रैक्टिस फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक LeetCode, HackerRank एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं वो भी स्क्रीन पर डालूंगी. एक बार मैंने SQL अच्छे से कर लिया देन आई मूव्ड ऑन टू लर्निंग Python एंड वो मैं अभी भी सीख रही हूँ बिकॉज इट्स अ मोर एलैबोरेट लैंग्वेज. Python के मोर और लेस कोर्सेज मैंने Udemy से किए हैं. Simultaneously, although I wasn't targeting Korean-specific jobs, but just to make my life easy in South Korea, I started learning Korean as well. Everything online. So what I'm trying to say here is, find jobs relevant to your domain and start upskilling accordingly. Job search and upskilling ko aap alag-alag mat kijiye. Just try to put them together and do a focused upskilling. If you follow this approach, you will start getting results. ये सब सीखने में मुझे आराम से 7-8 months लगे. इट वॉज नॉट ओवरनाइट सो यू हैव टू बी पेशेंट. इसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए. आई मेड अ टेलर्ड रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब पोस्टिंग. लेट मी नो योर क्वेश्चंस अराउंड रिज्यूमेज इन द कमेंट्स बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव क्वेश्चंस ऑन रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. प्लीज आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, आई विल आंसर.
एंड बिफोर आई मूव अहेड लेट मी टेल यू कि कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी अबाउट टॉप 3 जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स इन कोरिया. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज कंसिडर दैट बिकॉज मैं वहाँ पे भी काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, एज आई सेड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स. तो मुझे 2 स्टार्टअप से ऑफर आए. फर्स्ट स्टार्टअप वॉन्टेड समवन टू जॉइन देम इमीडिएटली बट माई नोटिस पीरियड इन इंडिया वॉज अ बिट लॉन्गर सो दैट डिड नॉट वर्क आउट. द सेकेंड स्टार्टअप से मुझे जो ऑफर आया वी नेगोशिएटेड, बोथ पार्टीज अग्रीड, बट इन द मीन टाइम मुझे मेरे नेटवर्क से ऑफर आया विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज नेटवर्किंग. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नेटवर्किंग. वॉट इज नेटवर्किंग? नेटवर्क मतलब आपने जिन लोगों के साथ काम किया है और पीपल हु नो यू इन सम प्रोफेशनल कैपेसिटी, दिस सेट ऑफ पीपल इज योर नेटवर्क. एंड नेटवर्किंग इज सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट. When I started out fresh out of college, no one told me that networking can be so important, right? Because fresh out of college, सबको यही बताया जाता है कि मेहनत करो एंड आगे बढ़ो, which is 100% right. But इसी मेहनत के साथ अगर if you have or if you try to build a network, तो थोड़ा easy हो जाता है. Of course, बिना मेहनत के, बिना hardwork के network भी नहीं बनेगा. But what I'm trying to say is, you should focus on building your network as well. Think of it like this, अगर आपने already किसी के साथ काम किया है and you worked hard and well, it becomes easier for them to recruit you when they have an open position, right? Hiring a completely new talent, jisko aap bilkul nahi jante ho, can be very risky, can be very expensive for the corporates, right? Let's take a specific example. If I have to hire someone, there are 2 candidates. Candidate A, I already know, I worked with her in the past, for example, versus candidate B, equally qualified, good work ethics, but who is completely new. तो इस सिनेरियो में टू मिनिमाइज माई रिस्क आई विल हायर कैंडिडेट ए बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट शी हैज वर्कड वेल इन द पास्ट. आई नो आवर वर्किंग रिलेशनशिप, आवर वर्किंग डायनेमिक्स, सो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू हायर हर. सिमिलरली अगर आप कैंडिडेट ए के पर्सपेक्टिव से सोचो, इट विल बी ईजियर फॉर हर टू एक्सेप्ट द जॉब एज वेल बिकॉज शी ऑलरेडी नोज हाउ इज इट टू वर्क विद द करंट हायरिंग मैनेजर, वॉट इज द वर्क रिलेशनशिप लाइक, वॉट आर द वर्किंग डायनेमिक्स. सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज, राइट? I think this was the entire process that I followed. Please note that with this process, you can find jobs anywhere in the world, not specifically in South Korea. So please use it nicely and wisely. And you will definitely have specific questions ki LinkedIn kaise use kare, kaise database banaye, kaise jobs dhoonde, kya keywords use kare. So I was thinking of making a detailed course on how to use LinkedIn. If you think that will be a good idea, please let me know in the comments. To mujhe pata chalega ki ye course aap log ko chahiye ya nahi chahiye. इसके साथ साथ इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्लीज लीव अ कमेंट और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. आई ऑलवेज ऑलवेज रिप्लाई टू कमेंट्स एंड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम. एंड प्लीज मैं बोलती नहीं हूँ तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो. एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू डिड लाइक द वीडियो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.